रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया के प्रस्तुत करता है आम, अ डिविजन ऑफ आरसेल और CNBC आवाज। सीएनबीसी आवाज और आर्म्स की प्रस्तुति रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया मुंबई चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया हमारी एक कोशिश है जिसके तहत हम लोगों में छात्रावस्था या फिर कह सकते हैं स्टूडेंट लाइफ से ही बच्चों में रुपए की तरफ एक जिम्मेदारी निभाने का जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली और चेन्नई के बाद आज हम हैं मुंबई में और मुंबई के 4 स्कूलों के छात्रों को हम ऑटो लोन्स की अहमियत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन्हें एक केस स्टडी देंगे, इस केस स्टडी पर वो अपना एनालिसिस पेश करेंगे। हमारे पास एक बहुत ही एस्टीम्ड ज्यूरी है जिसने हमारी पिछली 2 सिटीज में भी हमारा साथ निभाया। मैं आपका उनसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं मिस्टर AC वर्मा जिन्होंने 37 साल SBI के साथ बिताए हैं। SBI जैसे कि हम सभी जानते हैं भारत का सबसे बड़ा पब्लिक बैंक है और इनफैक्ट सबसे बड़ा बैंक ही है और इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के ex MD के तौर पर अपना आखिरी पद लिया था। इसके अलावा हमारे साथ हैं गौरव मशरूवाला जो कि एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं और अर्णव पांड्या भी हमारे साथ हैं जो कि खुद एक फाइनेंशियल प्लानर है। मुद्दा मैंने आपको बता दिया है, आइए देखते हैं कि क्या केस स्टडी आज हमने बच्चों के बीच रखी। मिस्टर शाह और मिस्टर अग्रवाल दोनों ही लोग सीनियर मैनेजर्स के तौर पर ABCL एंड कंपनी लिमिटेड में काम करते हैं। मिस्टर शाह के पास 2.5 लाख रुपए की छोटी सी कार थी जो कि बिना किसी परेशानी के बहुत अच्छे से चल रही थी। उनके पड़ोसी मिस्टर अग्रवाल के पास भी छोटी कार ही थी पर फिर उन्होंने एक बड़ी कार लेने का फैसला किया जिसकी कीमत 9 लाख रुपए थी। दरअसल उनका अभी जल्द ही प्रमोशन हुआ था और साथ ही हाफ ईयरली अप्रेजल भी मिला था। मिसेस अग्रवाल और उनके परिवार की चर्चा अब सारी कॉलोनी में होने लगी। मिसेस शाह को इससे बड़ी जलन होती थी। उन्होंने भी मिस्टर शाह के हाफ ईयरली अप्रेजल के लिए रुकने की बजाय अभी तुरंत बड़ी कार लेने का फैसला किया। मिस्टर शाह इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि उन्हें पैसे प्रॉपर्टी या उन एसेट्स में लगाने चाहिए जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ेगी, ना कि ऑटोमोबाइल में जिनकी कीमत समय के साथ घटेगी। मिसेस शाह और साथ साथ उनके बच्चे अक्षय और सोनिया भी जिद पकड़ कर बैठ गए पर मिस्टर शाह ने कार खरीदने से मना कर दिया। अंत में हार कर मिस्टर शाह बड़ी कार खरीदने को राजी हो गए। पास वाले शोरूम पहुंचे तो सेल्समैन ने उन्हें सुपर लग्जरी कार दिखाई जिसकी कीमत 12 लाख रुपए थी। मिस्टर शाह को भी कार पसंद आई और वो भी सोचने लगे कि अगले 6 महीनों की किश्त तो किसी तरह चुका ही लेंगे, फिर 6 महीने बाद तो अप्रेजल मिलेगा ही और तब तक उनके पास होगी बेहतरीन आरामदायक बड़ी कार। मिस्टर शाह को पता है कि ये कार उनकी हैसियत से महंगी है। ऐसे में सेल्समैन ने उन्हें EMI ऑप्शन के बारे में बताया। मिस्टर शाह XYZ बैंक गए जहां उन्हें उनकी प्रेजेंट सैलरी के आधार पर 8 लाख का लोन ऑफर किया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि स्टेप अप EMI के तहत उन्हें 12 लाख का लोन भी मिल सकता है जिसमें महीने बढ़ने के साथ साथ EMI का अमाउंट बढ़ता जाएगा। मिस्टर शाह ने हाँ कर दी ये सोचकर कि सैलरी में 6 महीने बाद बढ़त होने ही वाली है। मिस्टर शाह ने कार खरीद ली और अब कॉलोनी में चर्चा का विषय था मिसेस शाह और उनका परिवार। 6 महीने गुजर गए पर मिस्टर शाह को आर्थिक मंदी के चलते प्रमोशन नहीं मिला बल्कि उनकी सैलरी में 20% तक की कटौती कर दी गई। अब उनकी EMI भी स्टेप अप EMI ऑप्शन के चलते पहले से ज्यादा हो गई। मिस्टर शाह इन सब बातों के चलते बहुत तनाव में रहने लगे। वो EMI चुकता नहीं कर सकते थे और बैंक एक और बार पेमेंट में देरी होने पर उनकी कार जब्त करने की धमकी दे रहा था। इस केस में किसकी गलती है और क्यों? अब मिस्टर शाह को क्या करना चाहिए? इससे क्या नतीजा निकलता है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी आज हमने मुंबई के 4 स्कूल के छात्रों के बीच रखी है। इन 4 स्कूल के बारे में मैं आपको बताती हूँ जो इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले हैं। हमारे साथ होंगे जमुनाबाई नारसी स्कूल के छात्र, लीलावती पोदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र, DAV पब्लिक स्कूल नेरल के बच्चे और साथ ही SVKM इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट। मैं सबसे पहले पोडियम पर बुलाना चाहूंगी जमुनाबाई नारसी स्कूल के बच्चों को।
जमनाबाई नर्सिंग स्कूल के छात्रों ने हमारी दी हुई केस स्टडी को एक स्किट के रूप में उतारा। नमस्ते दादाजी, मिस्टर शाह को क्या हुआ? वो आपके मिस्टर शाह है ना, बहुत समझदार है, लेकिन मेरे बहू है ना, बहू और वो छोकरा लोग, उनके बातों में आकर उन्होंने फैसला ले लिया। कैसा फैसला? बहुत साल हुए उन्होंने पैसा जमा किया, बैंक बैलेंस बनाया, फिर उन्होंने सोचा मैं भी कुछ चल संपत्ति खरीद कर अपने भविष्य के बारे में सोचूं। ये तो अच्छा प्लान है, फिर कैसी परेशानी हुई? वैसे वो छोटी गाड़ी बहुत अच्छी थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सब इंजन वगैरह बहुत अच्छा था, लेकिन वो आपके मिस्टर अग्रवाल है ना, उन्होंने अभी 9 लाख का नया गाड़ी लिया, इसलिए आपके अंकल शाह ने भी फैसला किया कि मैं भी एक नया गाड़ी लूं। इस तरह एक स्किट पेश करके बताया कि कैसे मिस्टर शाह ने नई गाड़ी ली और ऑटो लोन के चक्कर में फंसे चले गए। मिस्टर शाह है ना, उन्होंने भी फ्यूचर प्रमोशन को मन में रखकर नया गाड़ी लिया था, लेकिन ये बाजू उसकी कीमत डेप्रिशिएट होने लगी और दूसरी बाजू उसकी EMI ऊपर चढ़ने लगी। अरे बाप रे, एसेट वैल्यू नीचे और EMI ऊपर, फिर क्या हुआ? फिर वो ईयरली अप्रेजल में प्रमोशन मिलने वाला था, इनकम में हाइक होने वाली थी, कुछ EMI प्रॉब्लम नहीं था, वैसे सोचकर मिस्टर शाह ने ये गाड़ी ली। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मिस्टर शाह का परिवार अलग अलग तरीके ढूंढता है। अरे पापा, गाड़ी बेच देते हैं ना? गाड़ी बेच दो? अरे मेरे पास और बेहतर आइडिया है, एक काम करो, गाड़ी लो, ठोक दो, इंश्योरेंस मिल जाएगा ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जाओ इधर से तुम। सुनो, मैं कितनी से पैसे निकाल देती हूँ, 2-3 EMI तो निकल ही जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? FD और बाकी सारे एसेट्स का ब्योरा निकालता हूँ, कम से कम 1-8 साल की तो काम निकल जाएगा। मैं XYZ के बैंक से, XYZ बैंक के मैनेजर से मिलूंगा, उन्हें हमारी सिचुएशन समझाऊंगा, मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई बल निकल आएगा। फिर उस मुसीबत से छुटकारा पाकर आखिर में एक छोटी सी कविता के जरिए इन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि कैसे अपने जीवन को आगे व्यतीत करना चाहिए। सोच समझ कर कदम बढ़ाओ, भविष्य को अपने चमकाओ, वर्तमान में नियम बना लो, आपद विपद को सुलझा लो, लोन के नियम जांच परख लो, प्रति माह EMI के रेट समझ लो, लाभ हानि के नियम बना लो, उनको जीवन में अपना लो, जीवन उनका सुखमय होगा जो भी सोच के लेगा। ये मेन प्रॉब्लम आपको क्या लगा, ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? बिकॉज़ ही वाज नॉट पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर नहीं था अगर उसे EMI वो उसे अप्रेजल मिलने वाला था या नहीं। और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको क्या करना चाहिए उनको, ये पर्टिकुलर केस में उनको क्या करना चाहिए? डोंट यू से लाइक यू नो आवर वांट्स आर मोर देन आवर नीड्स, उसको ध्यान में रखते हुए उन जैसे कहा था कि उनका गाड़ी अभी ठीक था एंड उसको उनको प्रमोशन मिलने वाला था, वो प्रमोशन के लिए रुक सकते थे और फिर गाड़ी ले सकते थे, पर यू नो वांट्स आर लाइक यू नो दे वांटेड नाउ, इट्स लाइक दैट वे। तो जमनाबाई नर्सिंग स्कूल के छात्रों का आपने ये स्किट देख लिया। अभी हम फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी लीलावती पोदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों से और साथ ही JV पब्लिक स्कूल नेरुल के छात्र भी अपनी प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। भारत अनेक सपने बुन रहा है और हम में से कुछ लोग अत्यधिक ऋण लेकर अपनी जीवन शैली में सुधार ला रहे हैं, न चुकाए गए EMI से अपने जीवन को अनियंत्रित न होने दें और बंधनों में न जकड़ने दें। प्रस्तुत है आर्म्स, जो लेकर आए हैं उचित लोन रिकवरी समाधान। ये मैत्रीपूर्ण परामर्श तथा अत्याधुनिक तकनीक से व्यावहारिक हल प्रदान करेंगे। आओ एक जिम्मेदार ऋण भुगतान संस्कृति का निर्माण करें। आर्म्स, ब्रिंगिंग अ टच ऑफ रेनबो टू लाइफ। आशाओं का घर यूं ही नहीं बनता, दिन रात मेहनत के क्रशर में पिसकर अपनी जगह सीमेंट करनी पड़ती है, ऐसी जगह जिसमें करोड़ों उम्मीदों के लिए रूम हो, क्योंकि ये कोई आम घर नहीं, मेरे अपनों का घर है। सहारा
सिटी होम्स, जहां बसे भारत। फॉर बुकिंग्स कॉल 3030-000007। Lux Weather Shield Max Exterior Paint का रबर लेटेक्स पानी को रोके और दीवार को बनाए वाटर रेजिस्टेंट, यानी सीलन की। IFCI presents CNN IBM Indian of the Year in partnership with Hindustan Times. Tune in to the grand finale of the CNN IBM Indian of the Year 2009 at these times only on CNN IBM. Presented by IFCI since 1948, nurturing enterprise financing development. In partnership with Hindustan Times, it is time. Co-presented by ONGC. In association with Voltas, Jaisa India Ka Dil, Vaisa India Ka AC. Hyundai i10, catch the eye. IndiGo, India's coolest airline. पृथ्वी अग्नि जल आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास। एकेडमिक पार्टनर शारदा यूनिवर्सिटी, अ ट्रूली ग्लोबल यूनिवर्सिटी। आवर पार्टनर्स पार्कर, ब्राइट आउटडोर। वेलकम सर, आपकी स्पार्क सर्विस के बाद रेडी है। आप मेरे पापा से पैसे नहीं लोगे? नहीं बेटा, सच्ची सच्ची मुच्ची हम आपके पापा से पैसे नहीं लेंगे। जी हाँ, शेवरले प्रॉमिस के साथ 3 साल तक आपकी स्पार्क पर किसी भी तरह की मेंटेनेंस या सर्विस खर्चा नहीं, यानी हर ड्राइव हैप्पी ड्राइव। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया। अब अगले स्कूल के छात्रों को मैं बुलाना चाहूंगी। लीलावती पोदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे आएंगे और वो अब बताएंगे कि वो इस प्रॉब्लम के बारे में अपना क्या नजरिया रखना चाहते हैं। लीलावती पोदार स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रेजेंटेशन के रूप में अपने सुझाव जूरी के सामने कुछ इस अंदाज में पेश किए। आर्थिक संकटों से जूझता हुआ मनुष्य परेशान सा क्यों है? जीवन में आज हर व्यक्ति भौतिकवादी बनता जा रहा है। जीवन की इस दौड़ में बढ़ती हुई स्पर्धा के कारण मनुष्य अपनी वास्तविक मूल्य भूलते जा रहा है। मिस्टर शाह जैसे हजारों लाखों लोग इस दुनिया में इस समस्या के शिकार हैं। मुझे लगता है मनुष्य अपनी जीवन की शैली भूलता जा रहा है। इस तरह मिस्टर शाह अपनी उलझन से कैसे बाहर निकल सके, इस पर उपाय सोचे और इस परिस्थिति का सामना कैसे डट के करें, इस बारे में भी उन्होंने अपने सुझाव दिए। मोनिक, आपकी राय क्या है इनके बारे में? इसका एकमात्र समाधान ही है, आपको बैंक के मैनेजर के साथ मिलकर एक नया ईएमआई की तरकीब सोचनी चाहिए जिसके द्वारा आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाए। पर वो कैसे निश्चित है? मैं बताता हूँ, आपके वसूल किए गए बैंक के वसूल किए गए ईएमआई में से दिया गया लोन की राशि को कम कर देना चाहिए, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। अगर वह कम हो जाएगा तो साथ ही साथ आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी। पर इसके सिवाय मुझे और क्या करना चाहिए? इसके सिवाय आपको अपने घर का खर्च कम करना चाहिए, जो फालतू खर्च है। आपको उसके साथ साथ आपके जितने भी आपकी बीवी के जिदों को काबू रखना चाहिए। बीवी तो मेरी मानती ही नहीं है। पर देखिए, मिस्टर देसाई को देखिए, वह अपनी बीवी की कोई भी जिद पूरी नहीं करते। पर इस फसल की जड़ क्या है? इस फसल की जड़ स्टेप अप ईएमआई है। स्टेप अप ईएमआई? मोनिक, कुछ समझ में नहीं आता। स्टेप अप ईएमआई, देखो, जिस तरह एक बुलबुला शुरुआत में पानी में बहुत छोटा होता है, पर जिस तरह वो ऊपर जाता है उस तरह उसका आकार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बिल्कुल उसी तरह स्टेप अप ईएमआई भी काम करती है। शुरुआत में आपकी रकम जो बैंक को आपको देनी होती है वह कम होती है, पर जिस तरह वक्त बीतता जाता है वह रकम भी बढ़ती जाती है, और उसकी वजह से मिस्टर शाह पर जो तनाव पड़ रहा है वह भी बढ़ता जा रहा है। इस तरह बैंक से लिए ऑटो लोन और उसका इंटरेस्ट कैसे बढ़ता गया, इसके बारे में बताया और फिर हमें कैसे जिम्मेदारी से खर्च करना चाहिए ये भी समझाया। इस आर्थिक मंदी के दौर में सबको निर्णय लेकर काफी सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर किसने देखा नहीं है, और साथ ही साथ आपको अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। आप देख सकते हैं जिस तरह आपको अगर आप कोई होटल में जाते हैं तो आपको पहले अपने वॉलेट में कितना पैसा है उसी के अनुसार आपको ऑर्डर करना चाहिए।
ये बताने के बाद अपना प्रेजेंटेशन का समापन उन्होंने एक कविता पेश करके किया। जीवन की इस आपाधापी में यह क्या छूट रहा है, मेहनत कक्ष लोगों में यह क्या फूट रहा है, ईर्ष्या लालच लोभ कहाँ से आया मन में, कैसी है यह चाहत जिसने